हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे किचन में। और आज मैं आपको बहुत ही नरम और सॉफ्ट फुले फुले पंजाबी आलू पराठे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। तो चलिए आज की मेकिंग शुरू करते हैं। और बिल्कुल मेरी ही तरह एकदम फुले फुले और सॉफ्ट और मुलायम आलू पराठे बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें कढ़ाई गर्म कर लेनी है और थोड़ा सा उसमें हम डालेंगे ऑयल। और ऑयल में डालने के बाद डाल देंगे हम इसमें पंचफोरन, जिसमें मैंने डाली है सौंफ, जीरा और खड़ी धनिया, थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा अजवाइन और मंगरैल। ये हम पंचफोरन पहले डाल लेंगे और थोड़ा सा इसे तलेंगे। खास बात इस पराठे की है कि इसे हम बिना लहसुन प्याज के बनाएंगे। नवरात्रि चल रही है तो इसे हम सिंपली विदाउट लहसुन प्याज का बनाएंगे। तो जो पंचफोरन थोड़ा सा चटक जाए तो उसमें हम डाल देंगे हरी मिर्ची और साथ ही साथ डालेंगे हम उसमें ग्रेटेड अदरक। अदरक की मात्रा हम थोड़ी ज़्यादा रखेंगे तभी हमारे पराठे में स्वाद अच्छा आएगा। अदरक डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा चलाएंगे, एक मिनट हल्का ब्राउन होने देंगे और अब डालेंगे अपने सूखे मसाले। तो मैंने पहले इसमें डाल दिए नमक और साथ ही साथ डाला है हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के मैं इसे एक मिनट चलाऊंगी ताकि मसाला जले नहीं। जो हमारा फ्लेम है वो लो टू मीडियम होना चाहिए, एकदम आप चाहें तो लो कर दें ताकि हमारा मसाला जले नहीं, क्योंकि इसमें प्याज और लहसुन कुछ भी नहीं है तो मसाला जलने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसीलिए आप फ्लेम एकदम कम कर दें। अब एक मिनट चलाने के बाद हम बाकी के मसाले डालेंगे। तो मैंने इसमें एक बड़ी चम्मच गरम मसाला डाला है और एक बड़ी चम्मच मैंने इसमें डाला है सब्जी मसाला। दोनों को डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती मैंने 100 ग्राम ली है, इसे अच्छे से वॉश करके इसे बारीक काट लिया है। धनिया की पत्ती भी हल्का सा जब भून जाए तो इसमें हम डालेंगे अपने उबले मैश आलू, जिसे आलू को मैंने पहले ही उबाल के ठंडा करके इसे अच्छे से मैशर की हेल्प से एकदम मुलायम बना लिया था। आलू मैश करते वक्त आप ध्यान दें कि आलू हमारा एकदम बारीक और मैश रहे, एक भी थोड़ा भी उसमें टुकड़ा नहीं रहे, नहीं तो हमारे आलू पराठे फट सकते हैं। आलू जितना मैश रहेगा और मुलायम रहेगा पराठे बनाने वक्त हमें उतना ही इजी रहता है। तो ये देखिए मैंने सारे जो अपने आलू को अच्छी तरीके से जो भुना था, मैश किया था, उसे अब डाल के इस अपने मसाले में डाल दिया। तो आपने देखा ना, इसमें ना ही लहसुन है ना ही प्याज है और इसका जो स्वाद है ना एकदम, अब क्या बताऊँ आपसे, ये तो आपको बनाने और खाने पर ही पता चलेगा। 2 मिनट तक हम आलुओं को अपनी कढ़ाई में भुनेंगे और ये देखिए हमारी फिलिंग एकदम तैयार है। और इसे अब हम ठंडा होने के लिए एक प्लेट पे निकाल कर रख देंगे और 10 मिनट में ही हमारी फिलिंग ठंडी हो जाएगी। और हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे। आटा को मैंने एकदम आधे घंटे पहले ही मुलायम और सख्त डो लगा के रख लिया था, एकदम लचीला डो लगाएं ज़्यादा पानी देके, तभी हमारे पराठे जो हैं फूले फूले बनेंगे। तो एक पेड़ा हम काट लेंगे और उस पर थोड़ा सा हम आटा डस्ट करेंगे और जो हम पेड़ा है वो थोड़े मीडियम आकार का काटेंगे, क्योंकि पराठे में फिलिंग भरनी है तो इसीलिए हमें जो पेड़ा है वो बड़ा काटना है। तो पेड़े को अच्छे से काट के मैंने आटा डस्ट किया और इसमें हल्का सा कटोरी बनाते हुए ये देखिए मैंने फिलिंग डाली और कटोरी को चारों तरफ से हम मोड़ देंगे, थोड़ा सा टैप करेंगे और इसे हल्का सा दबाएंगे। थोड़ा सा इसमें हम आटा और डस्ट करेंगे और चकली की हेल्प से धीरे धीरे दबाते हुए हम इसे बेल लेंगे। हाथ को एकदम हमें हल्का रखना है, अगर आप ज़्यादा कस के बेलन चलाएंगे तो हमारे पराठे फट भी सकते हैं। और ये देखिए हमारा पराठा बनके बिल्कुल रेडी है और ये आप देख रहे हैं ना, ये कहीं से नहीं फटा है। तो बस इसका यही ट्रिक है ना कि जो मैंने आलू का जो मिक्सचर बनाया है वो बहुत ही सॉफ्ट है और उसमें एक भी लम्स नहीं है। और इधर तावा मैंने गरम कर लिया था और इसमें हम पराठे को डाल देंगे। पराठा डालने के बाद 1 से 2 मिनट हम रहने देंगे, उसे फ्लिप करके फिर हम दूसरी तरफ पलट देंगे और इधर बाकी के पराठे भी हम उसी तरह बना लेंगे। लोई काट के उसमें थोड़ा बड़ा लोई काटेंगे और उसमें कटोरी बना के हम अपनी आलू वाली फिलिंग डाल देंगे। इधर हमारा पराठा दोनों तरफ से सिक गया है। आलू का पराठा बनाने में थोड़ा समय लगता है तो इसीलिए आप पेशेंस के साथ बनाएं और दोनों तरफ से जब बढ़िया से सिक जाए तब इसमें हम ऑयल लगाएंगे। आप चाहे तो इसमें रिफाइन ऑयल या घी लगा सकते हैं, मैं घी से बना रही हूँ क्योंकि पंजाबी आलू पराठे हैं तो घी भाई ज़रूरी है, बिना घी के पराठों का मज़ा नहीं है। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ से चलाते हुए घी लगा लिया और अब चिमटी की हेल्प से अपने पराठों को दोनों तरफ से दबा देंगे ताकि हमारा पराठा अच्छे से सिक जाए। 5 मिनट में हमारा ये पराठा बनके रेडी हो जाता है और दोनों तरफ से दबा दिया है मैंने
और ये देखिए हमारा पराठा बिल्कुल अब परफेक्ट बन के रेडी है। और इसे मैं हटा दूँगी और इसी तरह जो मैं अपने बाकी के पराठे हैं उसे भी बना लूँगी। लोई को मीडियम आकार में काटा, उसमें फिलिंग भरा और दोनों तरफ से आटा डस्ट करके उसे हम अच्छा सा हल्के हाथों से दबाते हुए आलू पराठा बना लेंगे। बेलन को ज़्यादा तेज न चलाएं, नहीं तो आलू पराठा फट सकता है, इसीलिए बेलन चलाते वक्त सावधानी रखें। और ये देखिए दोनों तरफ से इसे भी मैंने पलट लिया है और ये देखिए ऑयल लगा लिया है अपना मैंने घी, और ये देख रहे हैं ना कितना परफेक्ट फूला फूला पराठा बन के रेडी है। तो अगर आप मेरी तरह इस तरह फूले फूले आलू पराठा बनाना चाहते हैं तो मेरे इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं, आपके पराठे परफेक्ट बनेंगे और बिल्कुल नहीं फटेंगे। और इसे मैंने अंगूर और टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा और अपना कमेंट हमें फीडबैक में ज़रूर लिखिएगा। और रोज़ इसी तरह नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।